हेलो चैंपियंस, 1 ईयर बियर्ड, 2 ईयर बियर्ड एंड 4 ईयर बियर्ड। अब आपके सामने तीन ऑप्शंस खुल के आ जा रहे हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति इसी वर्ष से लागू हो जाएगी। ठीक है, 2022 में आपके लिए कौन सा बेहतर होगा बीएड करने के लिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ के आ जाता है। और तीनों में अंतर क्या है, अगर आप मान लीजिए कक्षा 12 के बाद अगर आप बीएड करते हैं या स्नातक के बाद बीएड करते हैं या मास्टर्स के बाद बीएड करते हैं, तो क्या किसमें जॉब मिलने की जो संभावनाएँ वो सबसे ज़्यादा हैं और कौन सा यहाँ पे बेहतर है। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है अभी की जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है, 18 तारीख से जो है आपकी ज्योतिबा फुले एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट करवाएगी। जो यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2022-23 सेशन का है वो नहीं करवाएगी क्योंकि वो रेस्ट लेना चाहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। मास्टर्स के लिए उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि मास्टर्स कोर्सेज 1 साल के अब होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन विद रिसर्च 4 साल का किए हैं तो मास्टर्स आप 1 साल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अप्लाई कर सकते हो आप। देखिए, बीएड जो है यहाँ पे 1 साल बीएड की भी बात हो गई है, अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आपको कई वीडियोस हमारे चैनल पे आप मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, अब बीएड होगा 1 साल का, इसको 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा जाके देखिए कैसे इंप्लीमेंट होगा, सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है, ज्यादा नहीं 4-5 मिनट की वीडियो है। दूसरा, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो यहाँ पे स्नातक है आपका वो 3 से 4 साल का होने वाला है, इंटीग्रेटेड बीएड इसी के अंतर्गत आता है, वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, तीनों में आपको डिफरेंस बताने वाले हैं। देखिए एक चीज़, एक वीडियो आपने देखा होगा CBCS, ये जो सारे प्रावधान सारे सिस्टम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पढ़ाई होने वाली है वो च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर होने वाली है। अब आपको परसेंटेज नहीं मिलने वाला, आप सेमेस्टर में परीक्षाएँ होंगी आपकी, और जो क्रेडिट सिस्टम के फायदे भी बताए गए हैं। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि अब आप एक यूनिवर्सिटी में रह के दूसरे यूनिवर्सिटी से कोई आप कोर्स कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप फेल होते हैं किसी ईयर में किसी सेमेस्टर में तो आपको क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से पास करके नेक्स्ट ईयर में आपको भेज दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, जाके आप देखिएगा, सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो ये वीडियोज़ हैं कुछ। और उसके पहले हम यहाँ पर अब बात करेंगे कि देखिए 12वीं के बाद जो बीएड है वो कैसे है, 1 साल का और 2 साल का और 4 साल का बीएड है। ठीक है, नई शिक्षा नीति की जो यहाँ पे 39 पेज के ड्राफ्ट आया है वो टेलीग्राम ग्रुप में है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए कैसे वहाँ पे नई शिक्षा नीति इस साल से लागू होने वाली है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो जो बीएड है आपका 2014 से 2014 तक, उसके पहले की अगर हम बात करें तो 1 साल का होता था आपका बीएड। ठीक है, 1 साल का बीएड आपका होता था और सिर्फ उसी हिसाब से एलिजिबिलिटी पात्रता भी थी कि आप सिर्फ जूनियर की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 2014 के बाद से 2 साल का बीएड हो गया जो कि इम्प्लीमेंट हुआ और फीस वगैरह भी चेंज हुई एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से। ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है लेकिन इस समय नई शिक्षा नीति लागू करने की वजह से वो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती है और इस चीज को उसने ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी को जो है यहां पे दे दिया है जिम्मा। 18 तारीख से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म होगा 2 ईयर बीएड का। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या है, तो अभी क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 में गाइडलाइंस आई थी और अब पारित होने की बात है 1 ईयर बीएड की। अब जो है फिर से आपकी 2014 के पहले वाला प्रावधान चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए अभी तक देखिए तीनों में डिफरेंस सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि कब इम्प्लीमेंट होगा इसी वर्ष। ठीक है, देखिए 1 ईयर बीएड इसको आप जो है फॉर दोज हु हैव कम्प्लीटेड द इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री और हैव ऑब्टेन मास्टर्स डिग्री इज स्पेशली। देखिए जो 1 ईयर बीएड यहाँ पे निकल के आ रहा है वो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे मास्टर्स कोर्स करके बैठे हैं। ठीक है, जिनका मास्टर्स डिग्री पीजी कोर्सेज हो चुका है उनके लिए 1 ईयर बीएड यहाँ पे प्रावधान बनाया जाएगा, उन्हीं के लिए यहाँ पे ये चीज़ लागू होगा। देखिए क्योंकि वो 3+2 करके अभी तक आ चुके हैं, क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन किया, 2 साल का मास्टर किया, 5 साल वैसे ही उनका निकल गया, इसी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन देने के लिए बीएड 1 साल के लिए किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है NEP 2020 के तहत। ठीक है, दूसरा चीज़ आता है 2 ईयर बीएड। अब देखिए जो छात्र ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं और टोटल फोकस उनका ग्रेजुएशन पे होता है। ठीक है, तो जो टोटल फोकस ग्रेजुएशन पे देना चाहते हैं उनके लिए 2 ईयर बीएड काफ़ी यहाँ पे अच्छा हो जाता है। तो 3 साल का ग्रेजुएशन करके वो 2 साल का बीएड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशलाइज सब्जेक्ट से। देखिए अंतर भी बताएंगे 2 ईयर बीएड के सब्जेक्ट में और जो इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड है उसके भी, बस आप वेट करिए लास्ट तक। देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की अगर हम बात कर लें तो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, आप किसी भी कॉलेज स्कूल से पढ़े हो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप 12वीं तक पढ़े हो तो उसके बाद आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति के तहत है जो कि न्यू सेशन से लागू होने वाला है। ठीक है,
तो ये 2030 तक आप देखिए पूरा एकदम पूरा का पूरा जो है यहाँ पे प्रावधान बन जाएगा। लेकिन अभी देखिए क्या चीज़ें हैं, जब नई सिस्टम यहाँ पे लागू होता है तो एक साथ लागू नहीं होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिएगा कि जैसे कि जो दो जो ग्रेजुएशन करके बैठ गए हैं उनके लिए, या जो परसुइंग में है, जो पहला ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, तो आज से लेकर 3-4 साल तक जो उनकी वैलिडिटी है वो उनके लिए तो 2 ही साल का बीएड हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड में वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके बैठ चुके हैं। तो इसी वजह से चीज़ों को धीरे धीरे जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब ग्रेजुएशन में होने लगे हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, लिखित परीक्षाएँ होती थी, सेमेस्टर एग्जाम्स अब होने लगे हैं, पहले ऐसे नहीं था, अब धीरे धीरे चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई। और ये जो नई शिक्षा नीति है ये सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश में ही लागू किया जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड एंड 4 ईयर बीएड। अब बात आती है अंतर की, तीनों में अंतर क्या है सब्जेक्ट में। देखिए सब्जेक्टिव अगर अंतर की हम बात कर लें तो देखिए जो बीएड इंटीग्रेटेड है, ये जो हमने आपको अभी यहाँ पे फोटो दिखाया था कि जैसे 4 साल का स्नातक, इसमें जाके आप देखिएगा हमने यहाँ पे सारी स्पेशलिटी बता रखी है, ये जो इंटीग्रेटेड आपके कोर्सेज हैं 4 साल के जो ग्रेजुएशन है उसमें, कि आप साल के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आप चेंज करके पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन उसी इंटीग्रेटेड में 3 साल ग्रेजुएशन और 1 साल बीएड होगा, तो अगर उसमें जो है आप कोई सब्जेक्ट लिए हो 2 साल कोई और सब्जेक्ट पढ़े हो, तो बीएड अगर आप किसी और सब्जेक्ट से करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन जो अभी ग्रेजुएशन के बाद बीएड है इसमें आप बाउंडेशन में हो, इसमें आप बंधे हो, जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में लेते हो वही चीज़ आपको सेकेंड ईयर बीएड में लेना पड़ेगा। मास्टर्स की बात करें, जो सब्जेक्ट आपने मास्टर्स में ले रखा है वही चीज़ यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। मतलब जो सब्जेक्ट है आप वो 2 ईयर और 1 ईयर में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन 4 ईयर इंटीग्रेटेड में चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप बेस से आ रहे हो, क्लास 12th के डायरेक्ट बाद से आ रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर कौन होगा करने के लिए, तो देखिए क्लास 12th में क्या चीज़ें हैं उतनी समझ नहीं होती हैं, 4 ईयर क्लास 12th में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आप पूरा प्रावधान बना चुके हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लाइन में जाना है तो 4 ईयर आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो ग्रेजुएशन करके आप 2 ईयर बीएड कर सकते हो। मास्टर्स वालों के लिए 1 ईयर बीएड होना ही चाहिए और ये न्यू सेशन से लागू होगा। कैसे लागू होने वाला, जो सारे कमेंट्स आ रहे हैं उसका हम जवाब देना चाहेंगे। देखिएगा ये नोटिस आई थी 17/3/2022 को, ठीक है, 17/3/2022 को यहाँ पे नोटिस आई थी जो है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के तहत, जो आपकी CBCS सिस्टम और जो नई शिक्षा नीति यहाँ पे लागू होने वाली है। इसमें देखिए नोटिस में क्या चीज़ था तो आपको दिखा दें हम, इसमें अभी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ यहाँ पे पारित किया है कि जिन्होंने 4 ईयर रिसर्च विद ग्रेजुएशन किया है उनके लिए मास्टर्स डिग्री 1 साल की हो जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है। एक चेंज इसने किया है, 1 ईयर बीएड का चेंज अभी तक नहीं हो पाया, नई सेशन होने की जो है यहाँ पे सारी संभावनाएं हैं। यहाँ पे देखिए UGC ने इन्वाइट किया है, कमेंट किया, सजेशन देने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑन द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, उन्हें कहा गया है कि इस लिंक पे जाके 4 अप्रैल तक इनको ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पे सजेशन एंड फीडबैक देना है 1 ईयर बीएड के तहत कैसे जो है और किस यूनिवर्सिटी में लागू किया जाए। तो ये मेन मुद्दा है 4 अप्रैल का। आज यहाँ पे आपकी 4 अप्रैल से ज़्यादा हो चुकी हैं, आई थिंक आज 7 अप्रैल है, तो यहाँ पे ये जो चेंज है इसका रिजल्ट आना बाकी है, इसी वजह से अभी तक ये जो 1 ईयर बीएड है ये लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लागू जो है आपका इसी सेशन, मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक जो है आपकी सारी नोटिस अपडेटेड आ जाएगी, अप्रैल के लास्ट तक भी यहाँ पे आ सकती है, सारी संभावनाएं हैं। बस ये है कोई अब रेस्ट ले चुकी है क्योंकि अभी समय बीएड एंट्रेंस एग्जाम इसको नहीं करवाना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आने ही वाली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जो है इसी के माध्यम से अब यहाँ पे आपके डेटा बनेगा, इसी के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस आएगी। तो अब बात आती है कि सर क्या करें, फॉर्म अप्लाई कर दें कि नहीं अप्लाई करें। तो जो भी 2 ईयर बीएड का फॉर्म आया उसको आप अप्लाई कर दीजिए, फीस भी कम हो गई है, 1000 रुपये फीस हो गई है। इसका जैसे ही फॉर्म आएगा तो इसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 1 ईयर बीएड होगा तो इसकी एप्लीकेशन फीस भी कम हो जाएगी और सेशनल फीस भी कम हो जाएगी, उसको डिटेल में आपको बताएंगे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, ठीक है। तो आई थिंक आप सारे क्वेरीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, जो कमेंट्स आप कर रहे थे चीज़ें वैलिड हैं कि नहीं है, तो सारी चीज़ें हमने आपके PDF के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।